सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज वैसे है ईद का दिन, सो हैप्पी ईद। और मैं और मनीष जा रहे हैं आज गिटार लेने नया। एक्चुअली मनीष को हम देंगे तालीम गिटार की। मनीष को शौक चढ़ गया है तुनतुना बजाने का, तो आज हम जा रहे हैं गिटार लेने नया दरियागंज। तो अभी मैंने कुछ सर्च किए थे, कुछ गिटार शॉप, उसमें से एक था अवतार म्यूजिकल्स। तो 60 साल पुरानी दुकान है, तो पहले उसमें सर्च करता हूँ, अगर अच्छा हुआ तो ले लेंगे। तो आपको मैं दिखाता हूँ अभी गिटार शॉप, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके गाइस, गाइस ये है अवतार म्यूजिकल जिसकी मैं बात कर रहा था। तो आप चलते हैं अंदर, चल 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 चल। तो ऐसे चलेंगे नहीं, मिडिल वाले मंगवाए नहीं हम पीछे से। नहीं मैं दिखाऊंगा ना, अभी फोटो खींची। हाँ तो यार आके मैंने खींच लिया था, बता दे की साइज बराबर भी है। मनीष जी पेमेंट करिए, गिटार तो ले लिया। ये भैया है ओनर यहाँ के, और ये हो गई पेमेंट मनीष जी की। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था भैया की शॉप के बारे में, तो मैंने भी गिटार परचेज कर लिया मनीष के लिए, और मैं आपको भैया से मिलवाता हूँ। तो भैया से बात करना आप भी, तो उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा हुआ। तो भैया अपनी शॉप के बारे में कुछ बताएंगे, तो मैं आपसे मिलवाता हूँ। यहाँ के ओनर है भैया जी। भैया आपका नाम? रम्मी जग्गी नाम है भाई हमारा, और ये जो शॉप है हमारी 60 साल से आप लोगों के प्यार की वजह से बहुत दिन पर दिन प्रोग्रेस कर रही है शॉप जी। तो भैया यहाँ पे गिटार की जो स्टार्टिंग रेंज होगी वो क्या रहेगी? वैसे शुरू हो जाते हैं 1800 रुपए से, बट यार जो चलने वाले गिटार होते हैं वो 2500-3000 से चलने वाले शुरू होते हैं। थोड़ा लॉन्ग टाइम चलेंगे आपके, 4-5 साल चल जाते हैं जी। भैया तो आप कोई बिगिनर्स जैसे कोई आता है आपके पास, तो उनके लिए कोई टिप्स आप देना चाहेंगे कि मतलब कैसे गिटार उन्हें लेना चाहिए? आपको गिटार जो भी आप लेते हो उसमें आपको 3-4 चीजें देखनी चाहिए, जैसे कि आपका जो गैप है, जैसे जो गिटार का गैप है वो जी कम होना चाहिए जी, 0.2 से 0.4 होना चाहिए जी। इसकी जो वुड क्वालिटी है वो किस वुड में बना हुआ ये देखना चाहिए, किस वुड क्वालिटी में बना होना चाहिए जी। ये प्लाई नहीं होनी चाहिए जी। इसकी जो पीछे की कीज है वो कवर होनी चाहिए जी, और इसका जो वुड का मटेरियल है वो क्या है जी, यहाँ की सॉलिडिटी देखनी है ब्रिज की, जो अक्सर ब्रिज जो होते हैं लोकल गिटार पर निकल के बाहर आ जाते हैं जी। इसकी सॉलिडिटी देखनी चाहिए आपको, कितना सॉलिड है जी, ये चीजें देखनी चाहिए। और भैया आपके जैसे यहाँ पे कोई गिटार परचेज करते हैं अच्छा, तो वारंटी रहती है वहाँ पे? वारंटी कम से कम 1 साल शुरू होती है और 4 साल तक जाती है जी। और आपके पास क्या क्या वैरायटीज रहती है गिटार के अलावा? जैसे हमारे पास आपको यूकेलेलेस मिल जाएंगे जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, उसमें इक्वलाइजर वाले, बिना इक्वलाइजर वाले, ढोलक, गिटार्स, हारमोनियम, हर चीज, A to Z, तबला, पियानो, यामा के और कैसे हो के और सारी चीजें दिल्ली के आप कभी भी देख सकते हैं नेट पे भी जी। ढोल हो गए, हर चीज मिलेगी A to Z, हर चीज म्यूजिकल रिलेटेड से हर चीज मिलेगी। अगर अगर आप कोई शॉप कीपर है तो हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको ऐड कर देंगे, उसमें आप रोज रोज आपको अपडेट आ जाएगी अगर नया नया माल आ रहा है। तो भी आप होलसेल और रिटेल दोनों करते हैं? हाँ, बट जो हमारी लिस्ट है उसमें सिर्फ होलसेल को ऐड करते हैं, जो नए माल के लिए रिटेलर्स को आना होगा यहाँ पे, हम बेचते नहीं है क्योंकि बेचने पे यार टूट जाए, कस्टमर को लगेगा कि हमने टूटा हुआ भेजा, हम ये कोशिश करेंगे कि यहीं पे आके लेके जाओ जी और वैरायटी देखो जी। एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा भैया के साथ। तो भैया के पास वह गिटार मतलब बहुत सारी शॉप्स थी, लेकिन फर्स्ट मैं एज अ ट्रस्ट भैया के पास आया हूँ, तो मतलब भैया ने मेरा ट्रस्ट जीत लिया। तो गाइस आपको भी यहाँ पे आना है भैया के पास, और पहली बात तो ये है यहाँ पे डिस्काउंट करने की आपको जरूरत नहीं है, भैया पहले आपको डिस्काउंटेड रेट दे देते हैं, तो ये चीज़ इनकी सबसे बेस्ट लगी मेरे को। और मतलब एज अ आप आओगे यहाँ पे तो एक फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे, पहली चीज़ तो यहाँ पे ये है। सो मेरा एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा लगा, तो आपको भी यहाँ पे आना है भैया की शॉप पे अवतार म्यूजिकल्स जो दरियागंज पे, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा आपका, और उसका नेम और नंबर सारी चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप देख लेना गाइस। ओके गाइस फाइनली मनीष का गिटार हमने परचेज कर लिया है, और अब हम भी बनेंगे ए आर रहमान, अब ये भी ए आर रहमान बनेगा। और गिटार की मतलब खास बात ये है कि एक गिटार में जो हमने गिटार लिया उसकी 4 साल की वारंटी है, तो अगर कुछ भी गिटार में दिक्कत आती है तो भैया है हमारे साथ। तो काफ़ी अच्छी काफ़ी पुरानी शॉप है, 60 साल पुरानी यार, तो कह सकते हो ट्रस्टेड है। और तो गिटार ले लिया, अब घर की तरफ निकल रहे हैं।
बेसिकली गाइस मैं बता देता हूँ, जो दरियागंज मार्केट है ओल्डेस्ट दिल्ली की मार्केट है, इसे ओल्ड दिल्ली भी कहते हैं, और यहाँ पे फेमस है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए या बुक्स के लिए, और खाने के भी काफ़ी अच्छे वेराइटी है। जिसको बुक्स चाहिए होगी आप दरियागंज जा सकते हो, अच्छे रेट मिल जाएंगे आपको। नहीं तो इसको म्यूजिक से रिलेटेड सब कुछ भी चाहिए इक्विपमेंट्स तो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो गाइस ये इन्फॉर्मेशन मैं बताना भूल गया था, मनीष ने बोला कि ये बता दे आना कैसे। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है आपका दिल्ली गेट, नहीं तो जामा मस्जिद का, दोनों में इक्वल डिस्टेंस पड़ेगा दोनों मेट्रो से उतर के, वॉकिंग 10 मिनट का रास्ता है। तो आप गूगल पे भी डाल लेना अवतार म्यूजिकल्स, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो गिटार ले लिए हो तुम, अब तो आप हमें भूल जाओगे। अब तो बहुत गर्लफ्रेंड बनेगी आपकी, लोगों ने कहा है कि जब भाई गिटार ले लेते हैं तो बंदी की गर्लफ्रेंड बन जाती है, ऐसा होता है क्या? नहीं, तू चाहता मैं कूद जाऊं। अब तूने गिटार तो ले लिया भाई, और तुझे पता है तेरा गुरु कौन है? तो क्या कर रहे हैं गुरु, गुरु से क्या शिष्टाचार प्रणाम क्या करते हैं? मतलब गुरु जी का पैर छूने पहले यूं करना कि जो भी मैंने सीखा अपने गुरु जी से सीखा है, और अपना अंगूठा काट देना है। लेकिन मिनट जब अंगूठा काट दूंगा बजाऊंगा कैसे? लेफ्ट हैंड से बजाना पड़ेगा फिर। अब टुंडा बजाऊंगा आज से, मेरा नाम चेंज कर दियो, नीरज नाम को छोड़ के गुरु जी लिखियो फोन पे। ठीक है।